तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है सरफेस केमिस्ट्री। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, एंजाइम कैटालिसिस। ओके, तो देखो बच्चों, एंजाइम कैटालिसिस मींस द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम कैटालिसिस। समझ गए बच्चों कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, मींस ऐसी रिएक्शंस जो कि प्लांट्स, एनिमल्स इनमें चलती हैं, उनको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में एंजाइम की प्रेजेंस में रेट में किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो इसी चेंजिंग प्रोसेस को क्या बोला गया है, एंजाइम कैटालिसिस। समझ गए ना कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम कैटालिसिस। ओके, अब देखो यहाँ पर एंजाइम आया है कि एंजाइम की प्रेजेंस में बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट में कोई चेंज आ रहा है तो हम उसे एंजाइम कैटालिसिस बोलते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं? ओके, तो देखो बच्चों, एंजाइम जो होते हैं एक बायो कैटालिस्ट हैं और ये लिविंग सिस्टम लाइक प्लांट्स, एनिमल्स इनमें क्या है, प्रोड्यूस्ड होते हैं और इनमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं उनको कैटेलाइज्ड करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन मिलता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा थर्ड एलिमेंट नाइट्रोजन ज़रूर होगा, इसके अलावा फॉस्फोरस भी हो सकते हैं, सल्फर भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये तो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो यही डिफाइन किया गया है कि एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सिस्टम लाइक प्लांट्स, ओके, एंड एनिमल्स हैविंग हाई मॉलिकुलर मास रेंजिंग फ्रॉम 15,000 टू 1,00,000 ग्राम पर मोल। समझ गए ना कि इतना हाई मॉलिकुलर मास होता है पर मोल का और ठीक है, लिविंग सिस्टम में प्रोड्यूस्ड होते हैं, दे आर कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर। ठीक है, एंजाइम इज बायोकेमिकल कैटालिस्ट एंड कैटेलाइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। तो समझ गए ना कि नाइट्रोजन से बने हुए, मतलब नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिकुलर मास काफ़ी हाई होता है और लिविंग सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटेलाइज्ड करते हैं, इसीलिए इन्हें बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये हैं एंजाइम्स। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें कैटेलाइज्ड करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कोलाइडल नेचर के होते हैं उन्हीं को बोला गया है क्या, एंजाइम्स। देखो कुछ एग्जांपल्स, जैसे C12H22O11 है ना, H2O की प्रेजेंस में एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है तो इसमें ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिकम्पोज्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वर्टेज है वो ईस्ट में बनता है, ईस्ट से प्रोड्यूस होता है और इस तरह से जो है ग्लूकोज को इन्वर्ट शुगर में चेंज कर देता है। ठीक इसी तरह से चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए और उसमें एक एंजाइम जाइमेज एंजाइम जो ये भी ईस्ट में ही बनता है तो ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, इथाइल अल्कोहल में और CO2 लिब्रेट होती है। तो ये यहाँ पर जो एंजाइमेज है ये क्या है, एंजाइम है। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी में बनने वाली जो यूरिया है उसको यूरिएज एंजाइम अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरह से माल्टोज होता है जो कि 2 मोल ग्लूकोज से बना होता है तो माल्टेज एंजाइम होता है, ये उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में पेप्सिन से, पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्टाइड में चेंज हो जाता है और प्रोटीन ट्रिप्सिन से अमीनो एसिड में चेंज होता है। ठीक इसी तरह से मिल्क होता है लैक्टोबैसिली एंजाइम, कर्ड में चेंज होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम हैं हमारी बॉडी में, जितनी रिएक्शंस चलती हैं उन सबको कैटेलाइज्ड करते हैं एंजाइम और इस तरह से एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट होते हैं। अब देखो अगर हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जैसे पहला है स्पेसिफिसिटी, कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, मीन्स ईच एंजाइम कैटेलाइज्ड ओनली वन रिएक्शन। सो एंजाइम्स क्या होते हैं, हाईली जो हैं एंजाइम, ठीक है,
हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, मींस एक एंजाइम केवल एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है, कैटेलाइज्ड करता है। ऐसा नहीं कि एक एंजाइम से बहुत सारी रिएक्शन कैटेलाइज्ड हो जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर वाले होते हैं। और इसका रीज़न अभी आप देखोगे मैकेनिज्म में कि जो एंजाइम हैं और जिस सबस्ट्रेट पर ये एक्शन करते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी रिएक्शन सेंटर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दूसरा है एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी मतलब है कि एक एंजाइम कितने डिग्री तक रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। तो एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट, ठीक है, कैटलिस्ट। मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम में ट्रांसफर 1 मिलियन मॉलिक्यूल इनटू द प्रोडक्ट। कि एक एंजाइम, ठीक है, कि ये लिखा है कि वन एंजाइम, कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम में ट्रांसफर 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टू किस में चेंज कर सकता है, टू प्रोडक्ट में। समझ गए ना कि एक एक एंजाइम एक मॉलिक्यूल मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करने की टेंडेंसी रखता है और कुछ ही सेकंड में ये कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंट नेचर के होते हैं। ओके, मतलब कैटालिस्ट जो होते हैं अनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं उनमें बहुत ही हाई एफिशिएंसी पर ये वर्क करते हैं। तीसरा है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। तो देखो एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज एंड पीएच, विच आर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू। समझ गए ना कि हमारी बॉडी में या कोई भी लिविंग सिस्टम है तो उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में और पीएच रेंज में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, उसी को बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू। अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये लिविंग सिस्टम में है 298 से 310 केल्विन। मींस इस टेम्परेचर से ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम कोलाइडल नेचर के हैं, कोएगुलेट हो सकते हैं, और इससे नीचे चला जाए तो भी ये वर्क उतने अच्छे से नहीं करते। ठीक इसी तरह से ऑप्टिमम पीएच 5 to 7 होता है। मानो मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसमें पीएच जो है वो 7.4 होता है, जो ब्लड पीएच का ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच है। फिर आते हैं कोएंजाइम या एक्टिवेटर्स। तो देखो बच्चों एंजाइम्स की एक्टिविटी भी इंक्रीज कराई जा सकती है प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस नोन एज कोएंजाइम, जैसे सोडियम, मैग्नीजाइन, कोवाल्ट, कॉपर एक्सेट्रा। समझ गए ना, जैसे कैटलिस्ट में आपने प्रमोटर्स देखे थे कि वो सब्सटेंस जो खुद कैटलिस्ट नहीं है किंतु कैटलिस्ट के साथ जुड़ जाए तो उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जस्ट ऐसे ही कोएंजाइम्स होते हैं, वो अपने आप में कोई एंजाइम नहीं है लेकिन एंजाइम के साथ जुड़ जाए तो उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इनको बोलते हैं कोएंजाइम या एक्टिवेटर्स, लाइक एज Na+, Mn2+, कोबाल्ट, Cu2+ एक्सेट्रा। दीज मेटल्स आयन आर वीकली बॉन्डेड टू एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन एबिलिटी। समझ गए ना कि ये एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी क्या कर देते हैं, एक्टिविटी को, एडजॉर्प्शन एक्टिव एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। हमारी बॉडी में जितने विटामिन्स हैं वो इसी तरह से कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं। फिर आ जाते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स और पॉइजंस। जैसे वहाँ पर आपने देखा था कैटालिटिक पॉइजंस होते हैं जो कैटलिस्ट के साथ मिलकर उसकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जस्ट ऐसे ही कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में चले जाएँ, लिविंग सिस्टम में हों, तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स और पॉइजंस। समझ गए ना कि द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज स्लो डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक एज, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या, इनहिबिटर्स। ये हैं जैसे कि आपने देखा होगा साइनाइड हो गए, है ना, CO गैस हो गया, इस तरह से ये हैं। तो ये लिखा है कि इनहिबिटर्स इंटरैक्ट विद एंजाइम, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एंड रिड्यूस और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि साइनाइड हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो इस तरह से और भी कई केमिकल्स हैं तो जो कि
एंजाइम के साथ जुड़ के और उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनको बोलते हैं एंजाइम इनहेबिटर्स और पॉइजन्स। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से, एक्टिवेटर भी और पॉइजन्स भी। फिर आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इसका कॉन्सेप्ट है की एंड लॉक थ्योरी। ओके, कि इसमें ये बोला गया कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है, मींस जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर एक्टिव होना है, उनकी जो रिएक्शन सेंटर्स हैं या जो उनकी एक्टिविटी साइट हैं, वो एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस द शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड शेप ऑफ रिएक्टिव साइट ऑफ रिएक्टेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर जस्ट लाइक अ की फिट इन टू लॉक। कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है और जो सबस्ट्रेट का रिएक्टिव साइट है, वो उसी तरह से एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है जिस तरह से की और लॉक का लीवर एक दूसरे में फिट होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे से मिलकर और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि धीरे धीरे एक एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में या एंजाइम प्रोडक्ट, ठीक है, में चेंज हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही वो प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ, तो वो निकल के बाहर हो जाता है एंजाइम की सरफेस से और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तथा ये जो एंजाइम है आपने देखा, वो फिर से रीजनरेट हो गया। समझ गए ना कि ये एंजाइम है, ये है सबस्ट्रेट, एक दूसरे से मिले, कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और फिर इससे के बाद जो प्रोडक्ट है वो मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और एंजाइम रीजनरेट हो जाता है, और इस तरह से फिर रिएक्शन दोबारा रिवर्स स्टार्ट में स्टार्ट हो जाती है। तो ये है की लॉक थ्योरी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कैटालिटिक रिएक्शंस आ जाती हैं ऑब्जेक्ट में, जैसे हैबर प्रोसेस है ना, तो ये एंजाइम कैटालिसिस से रिलेटेड नहीं है, ये सबसे रिलेटेड है, मींस कुछ कैटालिस्ट मैंने लिख दिए हैं उनको देख लेना। तो N2H2 और अमोनिया की हैबर प्रोसेस में Fe एक कैटालिस्ट होता है जैसे, ठीक है, इसी तरह से ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो PT कैटलिस्ट यूज़ होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, मींस यहाँ पर SO2 से पहले SO3 बनता है, तो यहाँ पर PT या V2O5 कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। बॉस प्रोसेस है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O से, ठीक है, और इस तरह से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, बाद में CO2 हटा दी जाती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में यूज़ होती है। डेकॉन्स प्रोसेस है जिसमें HCl से क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर आपने बॉस प्रोसेस में देखा Fe2O3 Cr2O3 कैटालिस्ट है, डेकॉन्स प्रोसेस देखा तो इसमें CuCl2 कैटालिस्ट होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, कि ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है, तो उसमें निकिल कैटालिस्ट की तरह यूज़ होता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कैटालिटिक रिएक्शंस हैं, इनको देखना है। बाकी मैंने कंप्लीट एंजाइम कैटालिसिस एक्सप्लेन कर दी, तो आप एक बार इसको अच्छी तरह से देखें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय।